नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीसवती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर, आज है एकादशी का दिन। तो आज बाबाई के पापा का यानी जयंतु का जन्मदिन है। सुबह हो चुकी है, इसी तरह गुंडागर्दी से देख रहे हैं आप लोग मम्मी को किस तरह से मार रहा है ये। और मम्मी भी कुछ नहीं करती है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, शायद माएँ ऐसी ही होती हैं। खैर, आज सुबह को तो वैसा कुछ था नहीं कि आप लोग। रोज की तरह जयंत तो आज नॉर्मल लंच लेके ही ड्यूटी चला गया था। हम लोग रात को बाहर डिनर करने जाते हैं हर जन्मदिन में, तो इसीलिए मैं हो रही हूँ तैयार। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। और मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, ये वाला झुमका नया पहना है और ये वाला जो ड्रेस है ये दुर्गा पूजा के लिए ही लिया था, तो बहुत अच्छी फिटिंग्स आई है। ड्रेस स्मार्ट बाज़ार से लिया था, आप भी ले सकते हो। तो चलिए, क्योंकि एकादशी का दिन था, माँ दुर्गा की जो मूर्ति है किसी किसी मंडप में अभी भी रहेगी, तो भीड़ तो लगी रहेगी, लोग बाहर खाना भी खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में भीड़ होगा नहीं होगा ये सब सोचते सोचते और हम लोग बातें करते करते ही निकल पड़े हैं। तो पहुंच चुके हैं हमारा फेवरेट झीलाम रेस्टोरेंट में, जो है दुर्गापुर के चंडीदास में। आप लोग कभी आए तो खाना खाए ज़रूर यहाँ पर। थोड़ा सा कीमत ज़्यादा होती है लेकिन खाना होता है बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने ऑर्डर तो कर लिया है, लेकिन क्या है ना कि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो टाइम लग रहा था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। देखिए बाबा के पापा कैसे बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि रेस्टोरेंट में आज कितना ज़्यादा भीड़ था। तो कुछ टाइम इधर उधर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा एडिटिंग को आगे कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा रील्स भी बना लेती हूँ। रील्स बनाने बैठी तभी खाना आ चुका। मैंने और बाबा के पापा ने लिया था एक फ्राई राइस और मशरूम ग्रेवी, शायद कुछ करी कुछ था, और बाबा ने लिया था बटर नान और चिकन बटर चिकन शायद, हाँ बटर चिकन। तो हम लोगों ने ले लिया है। और मैं सच में कह रही हूँ, अगर कभी आप लोग आए तो ज़रूर यहाँ का खाना खाए, खाना इतना ज़्यादा टेस्टी होता ना, फुल पैसा वसूल। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन जिस वक्त हम लोग खाने बैठे बस सब कुछ भूल गए और एकदम आनंद से, परम आनंद से खाना खाया। बाबा भी खा रहा है अपना चिकन, तो लीजिए। हम लोग झटपट हम लोगों ने खाना ख़त्म कर दिया और तब तक रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मैं तो थोड़ा सा लेट खाती हूँ ना, तो थोड़ा सा तो रह गया मेरा। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद मुझे लगा कि खाना तो खा लिया, थोड़ा सा मुंह भी मीठा कर लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम और बाहर रहेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर चले गए आइसक्रीम खाने। बहुत दिनों बाद मुझे बहुत मन हुआ कि आज वैनिला आइसक्रीम खाऊंगी। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट आइसक्रीम जो है वो वैनिला ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग हर बार आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए या ठंडा खाने के लिए। ले लिया है वैनिला अमूल आइसक्रीम। बाबा के पापा ने बस थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खा पाए, लेकिन मैंने पूरा सफ़ा चट कर दिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ऐसा आइसक्रीम ना मैं लगभग आधे घंटे में 100 ख़त्म कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, आधे घंटे में 100 आइसक्रीम ऐसे कप वैनिला के मैं पूरा खा जाऊँगी। तो अब लौट रहे हैं घर और देखिए रास्ते में अभी भी कितना ज़्यादा भीड़ है। लगभग 12 रात के तो बज ही चुके होंगे। और बहुत दिनों बाद हमारा टॉफी जो था वो बाबा के साथ रात को ऐसा खेल रहा था, तो मैंने उसे कैमरा बंदी कर लिया है और घर आते ही टीपी को सोते हुए देखा तो उसे ढक दिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा। চলুন চলুন এখানে দাঁড়াবেন না, সোজা বেরিয়ে যান, সোজা বেরিয়ে যান, রাইট সাইডের কাছে।